सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या राठौर। चलिए नजर डालते इस वक्त की सुर्खियों पर। अमेरिकी दूतावास पर फिर से रॉकेट हमला, मोर्चेबंदी में जुटा अमेरिका, भारत से भी की बात। जेएनयू हिंसा में छात्र संघ अध्यक्ष समेत 30 घायल, पुलिस मुख्यालय पर छात्रों का प्रदर्शन। जेएनयू हिंसा पर बोली प्रियंका गांधी, मोदी शाह के गुंडे विश्वविद्यालयों में घुस रहे, पुलिस पर भी लगाया गंभीर आरोप। राजस्थान में पंचायती राज चुनाव की तैयारियां जोरों पर, प्रशासनिक अमला जुटा चाक चौबंद व्यवस्थाओं में। इराक की राजधानी बगदाद में स्थित अमेरिकी दूतावास पर एक बार फिर रॉकेट दागे गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कम से कम 2 रॉकेट दूतावास के पास गिरे। हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए दोबारा हमला न करने की हिदायत दी थी। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर फिर से हमले होते हैं तो ईरान को तबाह कर दिया जाएगा। वहीं ईरानी सेना ने पलटवार करते हुए कहा था कि अमेरिका में युद्ध करने का साहस नहीं है। ईरान ने अपने ऊपर लगे परमाणु कार्यक्रम को संचालित करने वाले प्रतिबंध को हटा लिया है। ईरानी मीडिया ने यह जानकारी दी। जेएनयू में रविवार शाम हुई हिंसा में तकरीबन 30 छात्र घायल हो गए। इस मारपीट में छात्र संघ के अध्यक्ष आयशी घोष को काफी चोटें आई हैं। घायलों का इलाज दिल्ली के एम्स अस्पताल में जारी है। मुंबई, पुणे समेत देश के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में लोग जेएनयू में हुई हिंसा के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। इस बीच जेएनयू हिंसा मामले में पुलिस ने FIR भी दर्ज कर ली है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा कि जेएनयू छात्रों पर यह हमला असहिष्णुता का नतीजा है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी MS रंधावा ने छात्रों और शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। जेएनयू, जामिया और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने 4 मांगों के साथ दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी को एक आवेदन सौंपा है। जेएनयू हिंसा पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने हमला किया है। उन्होंने कहा कि जेएनयू कैंपस पर हमला पूर्व नियोजित था। हमले में जेएनयू प्रशासन का समर्थन था। गुंडे भाजपा के थे। दिल्ली पुलिस एक मूक दर्शक थी क्योंकि छात्रों शिक्षकों को पीटा गया था। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जेएनयू में हुई हिंसा में घायल हुए छात्रों से एम्स अस्पताल में मुलाकात की। प्रियंका ने आरोप लगाया कि यह किसी सरकार के बारे में बेहद ही शर्मनाक है कि उसने अपने ही बच्चों पर हिंसा होने दी। कांग्रेस महासचिव ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गुंडे विश्वविद्यालयों के परिसर में उपद्रव कर रहे हैं और छात्रों के बीच डर फैला रहे हैं। प्रियंका गांधी ने दावा किया कि एम्स के घायल छात्रों ने उन्हें बताया कि गुंडे परिसर के अंदर घुसे और डंडों एवं अन्य हथियारों से उन पर हमला करने लगे, जिससे कई छात्रों के हाथ पैर टूट गए और कई को सिर पर चोट आई है। कांग्रेस नेता ने यह भी आरोप लगाया कि एक छात्र ने उन्हें बताया कि पुलिस ने कई बार उसके सिर पर लात मारी। जेएनयू में हुए बवाल के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट पर है। मामले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय और इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर UP पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। इसमें अलीगढ़, वाराणसी और प्रयागराज पुलिस को किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए अलर्ट कर दिया गया है। उधर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने जेएनयू में घटना के बाद AMU में तिरंगा यात्रा का ऐलान किया है। यह तिरंगा यात्रा आज दोपहर 3 बजे मास्कॉम डिपार्टमेंट से बाबे सैयद गेट तक निकाली जाएगी। यात्रा को लेकर पुलिस भी अलर्ट है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पर उनके विवादित बयान के लिए निशाना साधा है। मीडिया से बात करते हुए कमलनाथ ने कहा, कैलाश विजयवर्गीय को यह निर्णय करना होगा कि वह भाजपा के नेता है या फिर माफिया के। हाल ही में भाजपा नेता का एक वीडियो काफी वायरल हुआ था, जिसमें वह सरकारी अधिकारियों को धमकाते हुए नजर आ रहे थे। उन्होंने कथित तौर पर कहा था कि संघ के पदाधिकारी शहर में हैं, नहीं तो आज इंदौर में आग लगा देता। इससे पहले शनिवार को भाजपा के वरिष्ठ नेताओं सहित विजयवर्गीय के खिलाफ इंदौर पुलिस ने धारा 144 का उल्लंघन करने और प्रदर्शन करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में युवती का तैरता शव मिलने से सनसनी फैल गई। उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले से सटे जनपद भगतपुर के गांव मल्हूपुरा में युवती का तैरता शव मिला। सूचना पर पहुंची भगतपुर पुलिस ने तालाब से शव को निकाला। पुलिस ने गांव के लोगों से पहचान कराने की कोशिश की गई, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। वहीं मौके पर फॉरेंसिक टीम ने आकर घटनास्थल से सैंपल ले जांच में जुट गई है। युवती की उम्र करीबन 18 से 20 वर्ष की है। युवती के गले और मुंह में कपड़ा ठूंसकर घटना को अंजाम दिया गया है।
ये ग्राम मल्लूपुरा की सीमा में एक तालाब है, ये खेत हैं आसपास इसके। युवती का शव यहाँ पर मिला है, आज सूचना प्राप्त हुई थी। गांव के जो खेत जिनका है वो यहाँ पर अपना खेत देखने के लिए आए थे, उनके द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी। इसका अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है, शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं और पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की जा रही है। अभी स्पष्ट रूप से कुछ कह पाना संभव होगा, लेकिन देखने से ऐसा लग रहा है कि 24 घंटे से ज्यादा पुरानी है। प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। निर्वाचन विभाग चुनावी तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। प्रदेश में 4 चरणों में पंचायत चुनाव होने हैं। ऐसे में सबसे अधिक नजर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर रहेगी। पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर उदयपुर के आकोला थानाधिकारी ने ग्राम पंचायत मुख्यालय का निरीक्षण किया। थानाधिकारी श्रवण जोशी ने इस दौरान पंचायत मुख्यालय की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, साथ ही पुलिस कर्मियों को चुनाव के दौरान सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार लाल निशान पर खुला। बाजार के खुलते ही सेंसेक्स निफ्टी में जोरदार गिरावट दिखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 462.8 अंक की गिरावट के बाद 41,002.53 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 139.40 अंक की गिरावट के बाद 12,087.25 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। अमेरिकी सेना द्वारा ईरान के बाहुबली जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराए जाने के बाद ईरान और अमेरिका के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। इसका असर शेयर बाजार पर पड़ा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयर में गिरावट देखने को मिली। ईरान की ओर से जवाबी कार्रवाई से बाजार में और उतार चढ़ाव का जोखिम है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द एंगल।